श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, दुनिया में बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि प्राचीन काल से ही नज़र उतारने व भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र रखने के लिए मोरपंख का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल लोग अपने घरों को सुंदर दिखाने के लिए भी मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही मोरपंख का इस्तेमाल वशीकरण, कार्य सिद्धि, भूत बाधा, रोग मुक्ति और ग्रह बाधा वास्तु दोष के निवारण के लिए भी किया जाता है। कहते हैं कि घर में इसे कुछ स्थानों पर, कुछ खास स्थानों पर लगा लिया जाए तो आपके जीवन में बुरे समय टल जाता है और अच्छा समय आने लगता है। लक्ष्मी की भी प्राप्ति होने लगती है, घर में ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसे सिर पर धारण करने से विद्या लाभ भी मिलता है। साथ ही इसे घर में अलग अलग स्थानों पर रखने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, घर वास्तु बदल जाता है। जी हाँ, मोरपंख नवग्रहों की दिशा से बचने के लिए घर में रखा जाता है और घर में मोरपंख वातावरण को सकारात्मक बनाने में भी सहायक होता है। अब ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर के किन कोनों में मोरपंख को रखा जाए जिससे कि आपकी किस्मत चमक सकती है। सबसे पहले अपने घर में ऐसे स्थान पर मोरपंख रखने चाहिए जहां सभी आने जाने वाले लोगों की नज़र पड़ती है। कहते हैं कि इससे आपके घर में सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप अपने बेडरूम में पूर्व दक्षिण की दिशा के कोने में मोरपंख लगा दें, लेकिन किसी की नज़र उस पर ना पड़े इस पर आप विशेष ध्यान दें, वरना किसी की नज़र पड़ेगी तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। आपके घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है या फिर आपके घर में धन आता है लेकिन तुरंत ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। एक रुपया कमाते हैं, सवा रुपया का खर्चा आपको आन पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में कभी भी धन नहीं ठहरता, आपके घर में किल्लत ही किल्लत रहती है, उधारी लेने की नौबत आ जाती है, लोगों का कर्जा आपके सिर पर बना रहता है। तो ऐसे में आप अपने बेडरूम में पूर्व दक्षिण की ओर कोने में एक मोरपंख लगा दें और आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी की नज़र उस पर ना पड़ने दें। यदि आपके घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है तो घर के मंदिर में भी आपको दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख को लगा देना है, लेकिन आपको तब भी विशेष ध्यान रखना है कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के पास भी मोरपंख रखना चाहिए और साथ ही आपके घर में लक्ष्मी अगर आ रही है तो आप विशेष ध्यान रखिए कि अपनी तिजोरी में भी उस लक्ष्मी की एकत्रित होने के लिए एक मोरपंख तिजोरी के पास या तिजोरी के अंदर रख दें। और विशेषकर ध्यान रखें कि जो भी मोरपंख जिस भी स्थान पर रख रहे हैं आपको उसकी विधिवत पूजा करना है, पंचामृत से छिड़काव करके उसका अभिषेक करना है और आपको पूजन पाठ करने के बाद उस मोरपंख को जिस भी स्थान पर लगाने को कहा गया है वहाँ पर लगाएँ। यदि कहाँ भी चाहता है कि घर में तिजोरी में मोरपंख रखा जाए तो आपकी किस्मत 100 गुना बढ़ जाती है, आपकी जो भी कमाई है वह 10 गुना से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है, आपके शयन कक्ष में आप मोरपंख जरूर लगाएं, इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और मनमुटाव भी दूर होते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो आप उस बच्चे के स्टडी टेबल पर या फिर जहाँ भी वो बैठकर पढ़ाई स्थान करता है उस स्थान पर आप मोरपंख जरूर लगाएं, उसकी किताबों में एक मोरपंख जरूर रखें। इससे आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके बच्चे में काफ़ी बदलाव आएगा, पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ती चली जाएगी। मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लगा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने चिपका देना चाहिए जिससे कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें, आपसे अधिकतर शत्रुता कोई नहीं बना पाएगा। आपके जो भी शत्रु होंगे आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे और आपके शत्रु आपसे दूर ही रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ये उपाय खास करके मंगलवार या शनिवार के दिन करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। आप अपनी तिजोरी में भी एक मोरपंख जरूर रख लें, धन की कभी कमी नहीं होगी। और मोरपंख को अपने घर में विशेष तौर पर मंदिर के स्थान पर अवश्य रखें। दर्शकों, यदि किसी बच्चे की या फिर किसी बड़े की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, किसी को नज़र लग जाती है, तो उसके लिए आप 7 मोरपंख ले लें या 21 मोरपंख ले लें, उससे आप 21 बार उस बच्चे के ऊपर से या फिर उस व्यक्ति के ऊपर से उतार दें और उतार करके बाहर की ओर जा करके उस मोरपंख को झड़ा लें। उसके बाद में आप उस मोरपंख को अपने घर में रख लें।
ऐसा करके आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और आपके जो भी व्यक्ति बीमार हैं, नज़र लग चुकी है, उनकी नज़र भी उतर जाती है, घर की नज़र भी इसी तरीके से उतार सकते हैं। दर्शकों, और भी उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उन्हें अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।